ये कमायनी है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उनका काव्य है। काव्य यानी कि मन के भाव, जो भी आपके मन में आए जब आप उसे व्यक्त करते हैं तो वो काव्य के अंतर्गत आता है। आज इस वीडियो में मैं शिफाली आपके साथ इसी काव्य लेखन के ऊपर चर्चा करने आई हूँ। काव्य लेखन के वैसे तो कई कारण माने जाते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले माना जाता है प्रतिभा, यानी कि काव्य लेखन की जो प्रतिभा है वो एक तरह से जन्म से आपके अंदर है, आप उससे लिख रहे हैं, वो आपको भगवान से मिली है, यानी कि वो गॉड गिफ्टेड है। और दूसरा माना जाता है अभ्यास, यानी कि वो आपके अंदर नहीं है पर आप अभ्यास से धीरे धीरे उसे प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा माना जाता है व्युत्पत्ति, यानी कि लोक ज्ञान, गुरु का ज्ञान, आपका व्यवहार, धीरे धीरे उन सब चीज़ों से आप सीखते हैं और फिर आप काव्य लेखन करते चले जाते हैं। लेकिन ये सब बातें अगर हम एक तरफ कर दें तो काव्य लेखन अगर आपको करना है तो उसका एक ही जरिया है कि जो भी मन में आपके विचार आ रहे हैं आप उन्हें लिख दीजिए, जो भी संवेदनाएँ आपको सता रही हैं उन्हें आप व्यक्त कर दीजिए। और इसमें सबसे अच्छा साथी हमारा कागज़ और कलम ही है। पंत जी की भी एक लाइन है कि योगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर चुपचाप बही होगी आंखों से कविता अनजान। तो जब हमें कोई भी भाव अंदर से उद्वेलित करता है तो हम उसे व्यक्त करते हैं, तो वो उसका क्या माध्यम होगा, कला का कोई भी माध्यम हो सकता है उसे व्यक्त करने का। जैसे कि अगर कोई चित्रकार है तो वह उसे अपने चित्रों में हमारे सामने प्रदर्शित करेगा, अगर कोई कवि है तो अपने काव्य के माध्यम से उसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो वहीं जो हमारे आसपास परिवेश में घट रहा है, जो भी चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, हम उसके ऊपर लिखना शुरू कर सकते हैं। पहले आप लिखिए, आपको लगेगा कि अभी अच्छा नहीं लिखा जा रहा, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो सब देखते हुए आप लिखना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया तो चीज़ें वहीं पर ख़त्म हैं। लेकिन आप लिखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सुधरेंगी भी और उसमें नई चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और उसमें सुधार आएगा। आप पहले लिखिए, जो भी आपके मन में आ रहा है आप साधारण रूप से उसे लिख लीजिए, फिर उसे आप एक पाठक के नज़रिए से पढ़िए, आपको खुद को लगेगा कि इसमें क्या कमियां हैं, फिर धीरे धीरे आप उसमें सुधार कीजिए। और इस तरह से जब निरंतर एक प्रयास चलता रहेगा तो वो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें एक साल पहले लिखी जा रही थी, एक साल निरंतर अभ्यास के बाद वो चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो बस यही एक ज़रिया है। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आप उसे लिख दीजिए, किस वे में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, इसके ऊपर अभी विचार मत कीजिए। अभी आप ये लगाकर चलिए कि आपके पास एक अभी आपको खेत तैयार करना है, यानी कि जैसे कि हम खेती करते हैं तो पहले उसमें मिट्टी को तैयार किया जाता है, बाद में उसमें बीज आता है और फसलें उगाई जाती हैं। उसी तरह से पहले अभी आप जो शुरुआत करेंगे तो उसमें आप लगाइए कि अभी आपकी मिट्टी तैयार हो रही है, तो उसमें हार नहीं माननी, उसी में आगे बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद।